Send you voice notes, baby, but you never answer. Cause I'm busy with the others. Ooh, ooh. I put those, those are when you really love me. But those things were really far away. Ooh. You DM my heart, but I'm not responders. I think that you don't care. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो पिछला व्लॉग मैंने जहाँ ख़त्म किया था, ये व्लॉग उससे आगे ही कंटिन्यू करूँगी। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मैं थी टोरंटो के डाउन टाउन घूमने के लिए, हम लोग बाहर निकले थे। और टोरंटो का डाउन टाउन जो है वो बड़ा फेमस इस वे में है कि यहाँ बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और सारी जो है वो ग्लास बनी हुई हैं, ग्लास की बिल्डिंग्स और लाइट्स चलती हैं, तो बड़ा ही प्यारा जो है वो व्यू देती हैं वो। तो थोड़ा सा जो है वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ हम लोग आए थे बड़ा फेमस जो है वो CN टावर, कैनेडियन नेशनल टावर, जो कि रेलवे की बिल्डिंग, रेलवे वालों ने ये बिल्डिंग बनाई है और बहुत ही फेमस है ये। इसका नाइट का अलग व्यू है और इसका डे का अलग व्यू है। डे का व्यू थोड़ा सा और आगे आप लोग चले तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और उसकी पूरी ऊँचाई पर जाके जो नीचे पूरा व्यू नज़र आता है वो भी इंशाल्लाह आपको अभी के ज़रूर दिखाती हूँ। अभी आप नाइट का व्यू एंजॉय कीजिए, देखिए कितना जो है वो मज़े का, ब्रेथ टेकिंग जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो लग रही हैं। के और ये थोड़ा सा देखें, ये एक्वेरियम है फेमस, और ये जो है वो CN टावर है। ये मैं पूरा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। ये देखेंगे इतना ऊंचा है, 553 मीटर्स ये लॉन्ग है। और यहाँ पे जी है रॉजर्स सेंटर, और अभी मैं जो हूँ वो ये जो पूरी बिल्डिंग है CN टावर की, इसके ऊपर का व्यू जो है आपको अभी पूरा दिखाती हूँ। अभी एक व्यू ये सारा आप ले लें, उसके बाद जो है मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ CN टावर का। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. डाउनटाउन का थोड़ा सा जो है वो इवनिंग का व्यू, तो ये थोड़ा सा मैंने कैप्चर करके रखे हुआ था। ये है इसका स्काई पॉड व्यू, जिससे जो है वो पूरा जो है वो आपको टोरंटो नज़र आ जाएगा यहाँ से। और लोग जो है वो यहाँ जमा होते हैं वीडियोस बनाने के लिए, पिक्चर्स बनाने के लिए। और यहाँ पे एक ग्लास फ्लोर है जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। अभी ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। और लोग यहाँ जो है वो दूर दूर से आते हैं और टिकट्स बाय करते हैं, और टिकट्स बाय करने के बाद जो है वो यहाँ खड़े होकर जो है वो पिक्चर बनवाते हैं। और आगे जो है वो ग्लास फ्लोर है जहाँ लोग स्पेशली बैठ के जो है वो अपनी पोजेस में पिक्चर्स बनवाते हैं। तो ये है जी वहाँ का ग्लास फ्लोर जिसपे लोग खड़े होते हैं और इस तरीके से पिक्चर बनवाते हैं। और कुछ लोगों का शौक़ होता है, लेकिन ये कि मुझे तो हाइट से बहुत ही ज़्यादा फोबिया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है हाइट से जी। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जहाँ जो है सुबह के बज रहे हैं 8:30, और 8:30 बजे का वक्त है। सुबह सुबह मैं क्या नीचे जो है वो किचन में आई हूँ नाश्ता लेने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा आउटर व्यू बनाऊँ मैं आप लोगों के लिए। तो आज सुबह से ही जो मौसम बहुत प्यारा है, रेनी डे है, और आज हमारा प्लान था नियाग्रा फॉल्स जाने का, तो इसीलिए मैं सुबह जो है वो 8:30 बजे उठ गई हूँ, किचन में आई हूँ नीचे। तो मैंने सोचा कि यहाँ के नाश्ते का भी क्लिप आप लोगों के लिए बनाया जाए, क्योंकि मैंने जो है वो अभी तक टिम हॉर्टन्स का ही नाश्ता दिखाया है आप लोगों को। तो देखें होटल के नाश्ते में जो है वो ये था, बनाना था और
योगर्ट था, क्रोसेंट थे दो, और साथ कॉफ़ी या चाय जो आप लोग लेना चाहें वो थी। तो ये नाश्ता तो बस ऐवें ही था, बिल्कुल हल्का सा। आज मैंने कहा कि आप लोगों के लिए इसको क्लिप करती हूँ, तो ये मैंने जस्ट आप लोगों के लिए इसको जो है वो क्लिप किया है। और मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कहा बैठ के चाय पीते हैं और फिर जो है वो अच्छा सा लंच जो है वो बाहर कर लेंगे। अभी जो है वो हल्का सा ही नाश्ता कर लेते हैं आज। तो यहाँ एक चीज़ और, हमारी रूम की जो है वो डेली बेडिंग भी चेंज हो रही थी, वॉशरूम भी क्लीनिंग डेली हो रहा था, और उसके अलावा टॉवल वगैरह चेंज और तमाम चीज़ें वैक्यूम वगैरह वो डेली बेसिस पे जो है वो हो रहा था। तो आज की क्लीनिंग हो रही थी तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए इसको जो है वो कैप्चर किया है। मैं और अमल जो है वो बाहर वेट कर रहे हैं, और आज जो है वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया था नियाग्रा जाने का। हम लोग जो है वो इंशाल्लाह कल जाएंगे नियाग्रा। अभी जो है वो मैं तैयार होकर निकली हूँ मॉल जाने के लिए। मॉल की चीज़ से पहले मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप आप लोगों के लिए डाल दी थी, इसलिए मैंने आज जो है वो क्लिप नहीं किया है। मॉल के बाद हमने अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, और उसके बाद जी मैं जो हूँ, आज हम लोग इनवाइटेड थे दोबारा एक जगह डिनर पे, तो मैं अपने बाल जो है वो स्ट्रेट कर रही थी, कर्ल जो है मैं कर चुकी थी, तो मैंने कहा आज मैं बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी हेयर प्रोडक्ट जो है वो शेयर करूँ। ये जो है वो हीट प्रोटेक्टेंट ऑयल है, तो ये है बम्बल एंड बम्बल वालों का, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। और ये है लॉरियल का एक सीरम, एंटी फ्रिज और जो है वो शाइन जो है बालों में आ जाती है, और मैं सीरम के साथ जो है वो काफ़ी अच्छे से स्टक हूँ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो बाल अभी जल्दी जल्दी से स्ट्रेट कर लिए, उसके बाद मैंने जो है वो गिफ्ट आइटम बाय करने थे, तो मैं जो हूँ वो जल्दी से शॉपर ड्रग मार्ट गई हूँ, क्योंकि वहाँ डील्स आई हुई थी बहुत ज़्यादा अच्छी, क्रिसमस की भी और हेलोवीन वगैरह की भी। तो मैंने जो है वो वहाँ से ये बाय किया। एक्चुअली जब मैं टोरंटो गई हुई थी तो हेलोवीन की सेल्स थी बहुत ज़्यादा, तो उस पर से मैंने जो है वो ये शावर का एक सेट बाय किया है उनके लिए, आई होप उनको अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट जो मैंने जो है वो क्लिनिक का एक सेट बाय किया था, एक्चुअली मैं इन लोगों से भी फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो आई होप उनको ये चीज़ें जो है वो अच्छी लगेंगी। तो ये मस्कारा है इसमें, और एक जो है वो क्लीनिंग जो है क्लेंजिंग बाम है, जिससे आप मेकअप जो है वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। माशाल्लाह से जी मेरी इन लोगों से फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, और माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छे से मिले, और बहुत ही अच्छा खाना वगैरह सब तैयार किया हुआ था इन्होंने। एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इनके सामने फ़िल्म करना, तो बस मैंने एक जो है वो ग्लिम्स रिकॉर्ड किया है जस्ट आप लोगों के लिए। खाने के बाद जी चाय का दौर ज़रूर चलता है हम लोगों का, तो चाय पियेंगे। उसके बाद जो है वो अमन ने खूब यहाँ पे खेला है, उसके बाद हम चले गए अपने मोटेल वापस। मतलब इसके लिए ये लेना पड़ेगा। नेक्स्ट डे आ गया है। नेक्स्ट डे जी हम लोग हो गए हैं अच्छे से ड्रेस्ड अप, और हम लोगों के जो है वो आज सुबह नाश्ते पे इनवाइट थे अपने एक फ्रेंड के यहाँ, और उन्हीं के साथ हम लोगों का प्लान था जी आज नियाग्रा जाने का। एक्चुअली यहाँ कल भी बारिश हो गई और आज भी यहाँ जो है वो रेनी डे था, लेकिन ये कि हमने ज़रूर जाना था, क्योंकि बस फिर हमारा जो है वो दिन हमारे पास ख़त्म हो रहे थे। तो जी आज ही निकलेंगे हम लोग नियाग्रा के लिए। अभी चलते हैं अपने फ्रेंड के घर और मज़ेदार से देखते हैं कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या नाश्ते का जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ है। रेनी डे हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा था रेन में, और ग्रीनरी और की बारिश की जो बूंदें इतनी प्यारी लग रही थी। तो जी सुबह सुबह आ गए हैं हम अपने फ्रेंड के घर पे, यहाँ नाश्ता था सारा होममेड, और बस ये जो है वो बकर खानी वगैरह जो है ये होममेड नहीं थी, ये कबाब पराठे दाल ऑमलेट और ये सब चीज़ें जो है वो घर की थी। बड़ा मज़े का हम लोगों ने नाश्ता किया है, उसके बाद हम लोगों का प्लान था नियाग्रा जाने का, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है वो इनकी जो वाइफ है उनको मैं भाभी कह रही थी, तो भाभी का जो है वो कुछ प्लान था और मेरा भी प्लान था कुछ मॉल से, मुझे कल जो मैंने लिया था मुझे रिटर्न कराना था, तो अभी एक चक्कर जल्दी से मैं मॉल का लगाऊंगी, उसके बाद रिटर्न आके और हम लोग जो है वो नियाग्रा के लिए जल्दी से निकल जाएंगे।
जी तो हम पहुंच गए बिल्कुल नियाग्रा फॉल्स के करीब और अभी मैं आपको एक ज़बरदस्त व्यू दिखाऊंगी जिसमें जो है वो अभी इसी जगह पे देखें, ये हम लोग जो है वो कनाडा साइड पे हैं और बिल्कुल मेरे जो लेफ़्ट साइड पे है वो अमेरिका है, न्यूयॉर्क। जी तो बिल्कुल अभी हम लोग हैं कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर्स पे और व्लॉग कर दूंगी मैं यहीं पे एंड, और मेरा जो है वो नेक्स्ट व्लॉग देखने का इंतज़ार कीजिएगा आप लोग। आपसे फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।